इलेक्शन मशीनी या कागजी, हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। इल्जामात और तनकीद के बाद मामला असेंबली तक जा पहुंचा। हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात एजेंडे की तकमील पर बजिद। वजीर कानून आज आईनी तरमीम का बिल कौमी असेंबली में पेश करेंगे। अपोजिशन कहती है ऐसा होने नहीं देंगे। ऐवान में गर्मा गर्मी का इम्कान। मशीन से डरते क्यों हैं, वो धांधली रोकेगी। जो डर कर भाग रहे हैं उन्हें जवाब देना होगा। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबा रवान कहते हैं इलेक्शन असलाहत को मुतनाज़े बनाने की कोशिश की जा रही है। तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत अगला इलेक्शन चोरी करने के लिए ईवीएम की बात कर रही है। आजम सवाती ने सवाल किया इलेक्शन कमिश्नर किसके कहने पर इदारे को तबाह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को आज़ाद इदारा बनाएंगे। चेयरमैन ऐप की मुद्दत मुलाजमत में तौसी। बिल लाएं या ऑर्डिनेंस, हुकूमत की मुशावरत जारी। नैब ऑर्डिनेंस 2000 के तहत तौसी नहीं हो सकती। मामले पर वजीर आजम और अपोजिशन लीडर में मुशावरत भी शुरू ना हो सकी। इत्तेफाक ना हुआ तो फैसला पार्लिमानी कमेटी करेगी। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कहते हैं उम्र 84 साल है, ओहदे पर मजीद रहना नहीं चाहता। हुकूमत को चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी पर अपोजिशन से मुशावरत करनी होगी। बदनीयती पर मबनी ऑर्डिनेंस से तौसी नहीं कर सकते। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कानून वाजे है, मुद्दत में तौसी नहीं हो सकती। हुकूमत चाहती है चेयरमैन नैब को इस्तेमाल करके अपोजिशन को डरा सकें। पच्चीस बेसिस पॉइंट्स का इजाफा, शरह सूद 7.25% हो गई। स्टेट बैंक ने 2 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 15 माह बाद इजाफा किया गया। मरकजी बैंक का कहना है कि महंगाई और खसारा कम करने के लिए मुनासिब पॉलिसी बनाने की जरूरत है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की मुबैना मिली भगत। कराची वालों के अरबों रुपए दाव पर लग गए। 28 मंजिला इमारत के कंप्लीशन सर्टिफिकेट को रोक दिया गया। इमारत 80% मुकम्मल हो चुकी है। 2015 में एनओसी जारी हुआ था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।